दोस्तों, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, मुंबई से बाहर रहता हूँ, और मुझे एक्टिंग कैसे शुरू करनी है, शुरुआत कैसे करूँ, मुंबई में जाकर काम कैसे मिलेगा, ऑडिशन कैसे होता है, पोर्टफोलियो कैसे बनाए, फिल्म स्टार बनना है, हीरो बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, ये सारे सवाल जो आपके मन में आते हैं, जिसका जवाब आपको बड़ी मुश्किल से मिलता है, और अगर मिलता भी है तो कहीं ना कहीं फ्रॉड लोग मिल जाते हैं, परेशान कर देते हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं आर्टिस्ट से रिलेटेड, कलाकारों से रिलेटेड, जो मुंबई से बाहर के हैं और मुंबई में नहीं रहते हैं, बाहर से आना चाहते हैं, शुरुआत कैसे करें, फिल्मों में काम कैसे मिलता है, टीवी सीरियल में काम कैसे मिलता है। तो उससे जुड़ी कुछ जानकारियाँ हैं, कुछ डिस्कशन होगा जिससे आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज हमारे साथ हैं प्रिंस जी, जो कि ज्वाइन टू बॉलीवुड करके एक एकेडमी मुंबई में चलाते हैं। उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव है, कई सारे लोगों को उन्होंने काम भी दिलवाया है, बहुत सारे लोगों ने इनके थ्रू काम भी किया है। जैसा मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि इनकी एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, और ये फ्री में कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों को नॉलेज देते हैं, उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, उन्हें निखारते हैं, उनके कला को निखारते हैं। तो ऐसे ही आज हम लोग थोड़ी विशेष चर्चाएं करेंगे इसी फील्ड से रिलेटेड अंदर जाके। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देख, सबसे पहला जो सवाल होता है कि मैं मुंबई के बाहर हूँ और मैं शुरुआती दौर में ऐसी क्या तैयारी करूँ जिससे मैं मुंबई आऊँ तो लोग मुझे जज करें कि हाँ मैं एक एक्टर हूँ। तो शुरुआती दौर पे क्या तैयारी करनी चाहिए एक एक्टर को? देखिए, एक एक्टर को मतलब अगर आप स्टार्टअप करो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है। अच्छा। कि लोग कैसे बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन अपनी पावर स्ट्रांग करिए। मैंने बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं ऑब्जर्वेशन के ऊपर, कैसे ऑब्जर्वेशन अच्छा। करें लोगों को। तो आपको अगर एक्टर बनना है तो आपको लोगों को ऑब्जर्व करना हो, क्योंकि आज के टाइम पे आपको एकदम रियलिस्टिक एक्टिंग चाहिए, एकदम नेचुरल चाहिए। तो उसके लिए आपको लोगों को ऑब्जर्व करना होगा, मैं कैसे बोल रहा हूँ, करण जी कैसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप सबको ऑब्जर्व करो। कल को अगर आपको भी बोलना होगा ऐसे, आपको इंटरव्यू ऐसे लेना होगा, तो आप कैसे लोगे, कितनी बार ऐसे सिर नीचे करेंगे, तो ये सब आपको पूरा ऑब्जर्वेशन पे करना होगा। मम्मी कैसे बोलती हैं, पापा कैसे बोलते हैं, आप जिससे मिलिए उसके कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर लीजिए, कहीं ना कहीं वो आपको काम देगा। तो जितना आप ऑब्जर्वेशन करेंगे उतना अच्छे आप एक्टिंग कर पाएंगे, यही एक एक्टिंग का फॉर्मूला है। आप लोगों को ऑब्जर्व करना सीखिए, भिखारी कैसे भीख मांग रहा है, पुलिस वाला कैसे चल रहा है, हर एक छोटे छोटे लोग को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि वहीं से कैरेक्टर निकल के आते हैं। एक राइटर उन्हीं लोग को देखता है और एक कहानी लिखता है। तो आपने जब पहले से ऑब्जर्व किया होगा, आपने देखे होंगे चीज़ों की उनकी एक्टिंग की होगी, तो आपसे अच्छी एक्टिंग कोई कर ही नहीं पाएगा जी। तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन ही करना है जी, मतलब शुरुआती दौर पे जैसा कि प्रिंस सर ने बताया वैसे ही काम करना है। उसके बाद पहले अपने आप को तैयार करना है, एक तैयारी के जो ऑब्जर्वेशन है ये तैयारी है पूरी, क्योंकि ये पहला स्टेप है। जब आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, नई चीजें सीखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप को ये ऑब्जर्वेशन करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप, तो आपको करना क्या है, पहले आप ट्राई करिए, NSD है, FTII है, उसके लिए ट्राई करिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप उनके लिए तैयारी करिए। अगर नए गवर्नमेंट कॉलेज मिलते तो प्राइवेट स्कूल तो बहुत सारे हैं एक्टिंग सिखाने के, आप कहीं भी जाके सीख सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास थिएटर होंगे, थिएटर ज्वाइन करिए। जितना हो सके आप ट्राई करिए फ्री में एक्टिंग सीखने का, पैसे लगा के एक्टिंग नहीं सीखनी है, क्योंकि पैसे लगा के आप एक्टिंग कभी नहीं सीख पाओगे। अगर आप खुद से आपके अंदर पैशनेट नहीं चाहिए सीखने के लिए, तो कभी कुछ नहीं है। तो पहले फ्री में ट्राई करना है आपको। अच्छा, तो ये तो पहला स्टेप था। चलिए ठीक है, आपने तैयारी भी कर ली, अब आप आ चुके हैं मुंबई में। तो सबसे पहले जो जानकारी होती है हमको यही मिलती है कि हम अगर यहाँ आते हैं तो हमको पहले पोर्टफोलियो बनवाना है, कई तरह के फोटोशूट करवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो फ्रॉड के बहुत सारे, जैसे कि अगर मैं देखूं, मैं अपना एक्सपीरियंस देखूं, तो 90% ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो फ्रॉड हैं, जो ज़्यादातर लोगों को परेशानी करते हैं। ये जैसे एक्टिंग, वो क्या बोलते हैं, कास्टिंग एजेंसी हैं, लोगों को कंप्रोमाइज़ के लिए बोलते हैं, मतलब कई सारी चीज़ें हैं। तो आप ये हमको बताइए कि जैसे एक्टर यहाँ पर आ गया है तो शुरुआती में फ्रॉड से कैसे बचे? देखो, फ्रॉड से आपको ये बचना है कि आपको एक्टिंग के नाम पे किसी को भी एक पैसा नहीं देना, एक रुपया नहीं देना। कोई बोलता है कि भाई ऑडिशन के 10 रुपये फीस है, तो समझ लिया फेक है। अगर आपने पैसे दिए तो आप समझ लिए फ्रॉड चक्कर में पड़ गए। कोई भी, मैं अगर कितना भी बड़ा एक्टर हो, अगर आपसे बोलता है कि नहीं मुझे को पैसे देने पड़ेंगे, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। मैं नाम तो नहीं चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो नाम कमा चुके हैं, अब उनके पास काम नहीं है तो वो ऐसी चीज़ें करते हैं, ऑडिशन रखते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उनको ऑफर देते हैं और अच्छा खासा पैसा उनसे ले लेते हैं, और बाद में वो कुछ बोल भी नहीं पाते, इतने बड़े एक्टर हैं। तो आप ट्राई करिए कि भाई हमें जो भी करना है अपने दम पे करना है। अगर आपने 1 रुपये दे दिया तो समझ लीजिए कि आप फ्रॉड चिकन पड़ चुके हैं। तो पैसे नहीं देने आपको। अगर आपने पैसे, चाहे पोर्टफोलियो के लिए हो, अगर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो भी है ना, तो वो भी आपको काम दिलवा देगी। आप देखिए, बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मुकेश छाबरा हैं और भी लोग हैं, वो खुद बोलते हैं कि हमें कोई आपका पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, कोई हमें आपकी कोई फोटोशूट नहीं चाहिए,
आप अपनी सिर्फ एक पासपोर्ट साइज फोटो भी हमें भेज देंगे ना तो भी हमारे लिए काफी है। तो भाई क्यों आप पोर्टफोलियो बनवाएंगे, क्यों आप 20 से 25 हज़ार रुपए खर्च करेंगे? वो पहले का दौर था जब ये सब चीजें नहीं थी, कैमरे नहीं थे, आप लोग अपने ऑडिशन भेज नहीं पाते थे, तो बड़े बड़े आर्टिस्ट अपना पोर्टफोलियो बनाते थे, उनकी फोटोज पहुंचती थी डायरेक्टर के पास, वो देखते थे हाँ भाई ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसकी फोटो ठीक है, इन चार लोग को बुला लो। तो वो दौर अलग था पोर्टफोलियो का, बट आज का दौर अलग है। आजकल सब कुछ डिजिटल है भाई, आप व्हाट्सएप भेज दे रहे हो फोटो, आप मोबाइल से क्लिक कर ले रहे हो, ज्यादातर लोगों के पास अच्छे फोन वाले राइट सबके पास है भाई। अगर पास नहीं कैमरा, आप किसी भी स्टूडियो में जाइए आसपास, 10 रुपए की 2-3 फोटो खिंचवा लीजिए और वो भेज दीजिए, सही बात है। तो वो भी वही काम करेगी जो पोर्टफोलियो काम करेगी। अच्छा, तो आपको पैसे नहीं खर्च करने इन चीज के लिए, मतलब ये चीज सीखना पड़ेगा कि जो ज्यादातर लोग इसी में परेशान है, पोर्टफोलियो बना दो, फोटो बना दो, उसके बाद ये करो वो करो, फ्रॉड ज्यादातर होता है। तो सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये होता है कि आप जब बाहर से हैं तो आपको बहुत सारे लोग कॉल करेंगे, ऑफर देंगे कि हमारा ये टीवी सीरियल चालू है, आपका आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है, आप मुंबई आ जाइए। और जब आप होता है राइट, जब आप मुंबई आते हैं तो वो लोग बोलते हैं अरे आपका सिलेक्शन हो गया, अपना पोर्टफोलियो दीजिए। अब आप बोलते हो भाई पोर्टफोलियो तो है ही नहीं मेरे पास, उनको पता है आपके पास नहीं है, वो फिर आपको ऑफर करेंगे आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो आप एक्टर कैसे बन सकते हो, आपको पहले बनवाना चाहिए वो चीजें। तो गाइस वो आपको फंसाएंगे फिर, और फिर वो आपको ऑफर करेंगे, ठीक है आपके पास नहीं है तो एक नीचे है आप उसके पास जाइए, मैं आपको नंबर देता हूँ, उससे बोले मेरे को पोर्टफोलियो बनाना है और मैंने भेजा है। अच्छा। वो आपको डिस्काउंट भी देगा और आपको बना के भी देगा, काम हो गया राइट। अब आपको लगा कि भाई ये तो मुझसे कुछ पैसे मांग नहीं रहे हैं, हमें जाके किसी और को देना है, और आपको नहीं पता कि वो बंदा भी उनका ही है। आप गए भाई उनको पैसे दे के आए, पोर्टफोलियो बन गया, आपने दे भी दिया, अब आप उनके पीछे घूम रहे हो भाई शूट कल है, परसों है, नर्सों है, ऐसे आपके सालों बीत जाते हैं और आपको काम नहीं मिलता है। फिर आपको समझ में आता है कि मैं फ्रॉड चक्कर में फंस चुका हूँ, फिर आप ज्ञान बांटना स्टार्ट कर देते हो कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया। तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं, आपको पैसा नहीं देना है, पैसों से काम नहीं मिलता। अगर पैसों से काम मिलता तो बड़े बड़े, मैं क्या नाम लूँ, आप यशराज के आप देख सकते हैं, यशराज के दो बेटे थे, अगर पैसों से काम मिलता, अगर सब पहचान से काम मिलता तो उनके उनके बेटे भी आज सुपरस्टार होते। सही बात है, टैलेंट माइंड। तो फिर जिनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, जब वो खुद सुपरस्टार नहीं बन सकते हैं पैसों से, तो आप कैसे बन जाओगे? पैसों से एक बार दो बार काम मिलेगा, लेकिन टैलेंट से आपको जिंदगी भर काम मिलेगा। तो हमें काम करना है, अपने टैलेंट को अच्छा करना है, अपने अंदर चीजें इंक्लूड करनी है, जो चीज आपको नहीं आती उसे सीखिए, इंप्रूव करिए और आगे बढ़िए, पैसों चक्कर मत पड़िए। अभी अभी जो बातें इन्होंने बताई, हमें लगता है ये नए कलाकारों को या जो बाहर रहते हैं मुंबई के, उनको ये सब चीजें नोट कर लेना चाहिए कि ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, ही पड़ेंगे। अगर आज के टाइम पे तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि तो आज के टाइम पे आपको बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, कॉल्स आती हैं आपको, कौन बनेगा करोड़पति, इसलिए मैं कितने सारे दिखता रहता हूँ, आपके पैसे ठग लिए जाते हैं कितने सारे। तो आजकल ये भी चल रहा है, कितने लोग सिलेक्शन होने के नाते आपको बोलते हैं ओटीपी शेयर करो। मेरे को अभी कुछ दिन पहले केस आया था, सर मेरा सिलेक्शन हो गया था और उसके बाद मुझसे पैसे मांगे गए, तो मैंने पैसे तो मना कर दिए, फिर उन्होंने बोला आपको ओटीपी गया है। अच्छा। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मेरा आधार कार्ड लिया, कैसे उन्होंने फ्रॉड किया सर, मेरे अकाउंट से 40,000 रुपए काट लिए। बहुत रे, बताइए आपकी हम टिकट करवा के देंगे, आपको रहने का करा के देंगे, उस चक्कर में बच्चा वो फंस गया और वो उनका शिकार हो गया। नहीं नहीं सही बात है। अच्छा सर, ये तो ठीक है कि चलो ये सारी चीजें हमने नोटिस कर ली, लेकिन अगर मैं मुंबई आता हूँ तो कहाँ रहूँ, क्या स्पेसिफिक जगह हैं, क्या सस्ते जगह हैं, कहाँ से काम करूँ, कैसे करूँ, ऑडिशन देने जाऊँ तो जाऊँ कैसे, या ऑडिशन देते वक्त क्या चीजें ध्यान दूँ? देखिए आपको सबसे पहले, आप जब मुंबई आ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हमारी खुद की एकेडमी है, हम लोग रहने की व्यवस्था क्यों करवाते हैं यहाँ पे, कोई भी मुंबई में कोई भी एक्टिंग क्लास आपको रहने कराएगी नहीं। अच्छा। वो बोले खुद से करो। अच्छा। बट हम जिम्मेदारी आपकी लेते हैं, हमें पता है आप बाहर से आ रहे हैं, आपका कोई नहीं मुंबई में, हम आपके गॉडफादर बनते हैं और आपको जो है रहने की व्यवस्था कराते हैं, इसलिए करवाते हैं क्योंकि हमें पता है कि आपका कोई नहीं यहाँ पे। हम आपको 3 महीने में इतना सब कुछ सिखा देते हैं, आपका रहने की व्यवस्था कराते हैं, क्योंकि आप जब 3 महीने बाद निकलते हैं तो आपको मुंबई के बारे में सब कुछ पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ ऑडिशन देना, आपको ग्रुप बन जाता है हॉस्टल में, तो सब लोग मिलके भी रूम ले लेते हैं। हाँ। तो आप ट्राई करिए, अगर आपके पास नहीं है ऐसी व्यवस्था एक्टिंग क्लास ज्वाइन करने का, तो आप पीजी में लीजिए। अच्छा, पीजी। पीजी का 3 से 4 हज़ार रुपये रेंट होता है मुंबई, कहीं भी आप लोगे, अच्छी जगह हो जाए खराब जगह, 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार में आपको पीजी मिल जाएगा। अच्छा। आप 1 महीना के पहले रहिए, चीजें देखिए समझिए, और बहुत सारे ऐसे एरिया है मुंबई में जहाँ बहुत कम रेंट है, नाला सुपारा, विरार, नए गाँव, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको 2,000-3,000 में भी रूम मिल जाते हैं। तो आप पहले वहाँ रहिए, थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा आपको। अच्छा। लेकिन भाई आपको पैसे भी बचाने हैं, स्ट्रगल भी करना है, रहना भी है, तो सब चीज़ करने के लिए आपको पहले कम से कम थोड़ा दूर रहेंगे चलेगा, लेकिन भाई पैसे बचाओ। ये नहीं है कि पहले, लोग गलती क्या करते हैं, नए नए आते हैं, अच्छा खासा रूम ले लिया, पैसे खर्च कर दिए, और बाद में फिर उनके पास सब पैसे खत्म होते हैं, फिर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हैं, सर कोई भी जॉब दिलवा दो। तो वो काम नहीं करना है, दिखावे में नहीं पड़ना है जी। जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा दूर रह लो चलेगा, शुरू में ही संभलना है, संभलना है आपको। जो शुरू में संभल गया
वो भाई लास्ट तक टिका रहेगा। और आप मुंबई आ रहे हैं तो भाई टाइम लेकर आइए, कोई एक दिन में सुपरस्टार नहीं बनता, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे आमिर खान हो, लोगों को टाइम लगा है, लोगों ने टाइम दिया है, 10-10 साल 5-5 साल स्ट्रगल किया है, तब जाके आज वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं। हमें लगता है नहीं यार एक ही दिन में हो गए, कोई सुपरस्टार का बेटा भी आप उठा के देख लो, उसने पहले 10-5 साल एज ए एडी काम किया है। चाहे वरुण धवन को देखो आपने, उन्होंने माय नेम इज़ खान में काम किया था, ठीक है, विकी कौशल को देखो गैंग ऑफ वासेपुर में उन्होंने काम किया था एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, तब जाके आज वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं। हमें आपको लगता है कि नहीं स्टार के बेटे हैं तो तुरंत काम मिल गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको टाइम देना पड़ता है, सब लोग सीखते हैं। अगर आप सुपरस्टार के बेटे भी हैं, अगर आपने टैलेंट नहीं है तो कोई भी आपको लाइक नहीं करेगा। कितने सारे सुपरस्टार के बेटे जो आज फ्लॉप चल रहे हैं उनके पास काम भी नहीं है। जी बिल्कुल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको काम नहीं मिलता है। तो द मेन थिंग इज कि आपको अपने ऊपर काम करना है, सावधानी से संभाल कर अपने आप को यहाँ आना है, आने के बाद जो स्टेप सर ने बताया उसको फॉलो करना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यहाँ आइए, इनके इंस्टीट्यूट में आइए, आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इनके पीजी में रहिए, इनसे कुछ सीखिए, इसके बाद कहीं बाहर निकलिए। ऐसा भी नहीं है कि आप हमारे पास आइए, अगर आपको लगता है कुछ आपको गाइडलाइंस चाहिए, आपको नहीं पता है, आप आके मिलो, हमारी टीम हेल्प करेगी, आपको कहाँ रहना है, कैसे स्टार्टअप करना है, हमारी टीम वो भी गाइड करती है आपको, कोई पैसा नहीं लेगी आपसे, आप आओगे आपकी पूरी हेल्प करेगी, आपके अंदर जितना टैलेंट होगा आपके अकॉर्डिंग जो भी काम होगा आपकी हेल्प करेगी, आपको एक सही रास्ता मुंबई में दिखाते भी हम लोग, ऐसा कोई भी चार्ज भी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ आना है तो इनके यहाँ ही रहना है तो ही, ऐसा नहीं है, आप यहाँ आके इनसे राय बात सब कुछ कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आगे आपको करना क्या है। और जैसा मैंने बताया कि इनकी खुद की प्रोडक्शन हाउस है, इनकी खुद की कास्टिंग टीम है, तो ऐसा नहीं है कि आप इनके यहाँ सीखे तभी, अगर आप सीखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आपको यहीं काम मिल जाएगा, अगर नहीं भी सीखते हैं तो आप इनके पास आइए, एक बार इनसे मिलिए, इनसे बात करिए, विमर्श लीजिए, ताकि अगर इनके हिसाब से अगर आपके लिए कोई काम होगा तो ये जरूर गाइडलाइंस देंगे। हम तो यहाँ तक कि यह तो हमारा है, ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं है, हम तो खुद बोलते हैं भाई आप कहीं से भी एक्टिंग सीख के आओ, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, काम देने की गारंटी मेरी है, टैलेंट होगा कहीं ना कहीं, मैं आपको जो मेरे कितने सारे दोस्त है कास्टिंग करते हैं, डायरेक्टर हैं, मैं खुद मिलवाऊंगा आपको, भाई ये लड़का है अच्छी एक्टिंग करता है, इसको थोड़ा देखो कुछ काम हो बताना आप, हम खुद सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तब मेरा नाम हो, कहीं ना कहीं आप मुझे याद करोगे, हाँ भाई प्रिंस सर ने भेजा था और आज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा जितना भी रहता है मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं अदर एक्टिंग क्लास से आते हैं, मुझसे बोलते हैं सर मैंने वहाँ पे सीखा है, मैं ये नहीं बोलता भाई तुमने मेरे यहाँ क्यों नहीं सीखा, भाई ठीक है कोई बात नहीं, आप अच्छा करते हो, आप मैं खुद नंबर शेयर करता हूँ, मैं खुद अपनी टीम को बोलता हूँ भाई इसका प्रोफाइल लो, ऑडिशन लो और इसको बताओ काम कुछ, तो हमारा काम है आपको आगे बढ़ाना, आप कहीं से भी सीखिए कुछ भी करिए, मैं खुद ही बोलता हूँ आप जहाँ रहते हैं वहाँ से सीख के ही आइए, जरूरी नहीं कि आप हमारे यहाँ के सीखिए, हमें अच्छी एक्टर चाहिए, हमें उससे मतलब है, आप कहाँ सीख रहे हैं क्या कर रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं उससे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने ये चीज़ें शुरू की हैं, कि ऐसा नहीं है कि यहीं सीखना है, कहीं से भी आइए, अगर आप एक अच्छे कलाकार हैं तो आपको यहाँ इज्जत सम्मान मिलेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं नेपोटिज्म भी है तो उसको भी लोग देख के सोच के बहुत परेशान है नए एक्टर्स। मैंने आपको करण जी बोला नेपोटिज्म है, ठीक है मानता हूँ मैं है, लेकिन वो तभी काम आएगा जब उनके अंदर टैलेंट होगा तब। अच्छा, मैं यहाँ नाम तो ले नहीं सकता, लेकिन कितने सारे एक्टर हैं जिनके बेटे लॉन्च होते हैं, अभी आप मैं बात ही कर लेता हूँ, आपने देखा अभी सनी देओल का बेटा लॉन्च हुआ, उनकी दो फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन किसी को उनके नाम भी नहीं पता होंगे। नहीं नहीं सही ना, अगर मौका उनको मिल रहा है, लेकिन साथ में उनके साथ में और भी एक्टर लोग काम कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ये देखेंगे तो मनोज वाजपेयी कभी ना आ पाते, ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कभी ना आ पाते, इरफान खान कभी ना आ पाते बॉलीवुड में, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है मौका आपको मिलेगा, हो सकता है भले थोड़ा लेट मिले, लेकिन टैलेंट है मौका मिलना ही वाला है आपको। तो इस चक्कर में आपको पॉजिटिव रहना है भाई, कुछ भी है मुझे जहां मौका मिलेगा मैं वहां अपनी परछाई छोड़ूंगा। नहीं नहीं सही बात, मुझे खुद बनाना है, अमिताभ बच्चन ने खुद बनाया, कितने सारे एक्टरों ने खुद अब मुकाम हासिल किया है, तो आपको ये चलना है भाई मैं खुद से बनाऊंगा, मेरा जो भी नाम है मैं खुद बनाकर रहूंगा, क्योंकि देखिए हर एक परिवार में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो इतिहास रचता है और एक अलग काम करता है, और ये बॉलीवुड एक ऐसी चीज है कि आप कब रातों रात आप बदल जाएगा आपका फ्यूचर आपको भी नहीं पता। बिल्कुल, जैसा आपका वीडियो है हम आप यहाँ कर रहे हैं, क्या पता कल रात को ही वायरल हो जाए पूरा और आप छा जाएं, तो ये ऐसी चीज है कि कभी भी वायरल हो सकती है, आपकी एक्टिंग कभी भी किसी को पसंद आ सकती है, कभी कभी फिल्में आती हैं हीरो पसंद नहीं आता लेकिन साइड में जो सपोर्टिंग एक्टर होते हैं वो पसंद आ जाते हैं, उनकी वजह से लोगों में फिल्में हिट हो जाती हैं, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो मेन आप अपने काम को अपना 100% दे रहे हैं तो आज ही तो कल सफलता मिलनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल है जो इसमें छूटे होंगे, तो इनके चैनल पर भी आप जा सकते हैं, कई ऐसे सवालों का जवाब इन्होंने खुद दिया है, उसमें आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। मैं मानता हूं कि इसमें सारे प्रॉब्लम्स हल नहीं हो पाएंगे एक्टर्स रिलेटेड, लेकिन इनके चैनल पे आप जाएंगे, ज्वाइन टू बॉलीवुड करके चैनल है, लिंक मैं दे दूंगा, और शायद लोग जानते भी हैं इनको, बहुत से ज़्यादा एक्टर्स हैं जो इनको बहुत ज़्यादा जानते भी हैं,
तो ऐसा भी नहीं है, आप इनके चैनल पर भी जाके कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं, कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, ऑडिशन कैसे दे, ऑडिशन के लिए तैयारी कैसे करें। तो मतलब लगभग जैसे कहते हैं ना कि अगर आप ISPCS की तैयारी करते हैं तो आपको अनअकैडमी में जाना चाहिए, वहाँ सीखना चाहिए, तो वैसे यहाँ भी है कि अगर आप एक एक्टर हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं, आपको कुछ नया करना है, अच्छा करना है, फिल्मों में काम करना है, टीवी सीरियल में काम करना है, तो आप इनके चैनल को देख सकते हैं। देखिए, सीखना बहुत जरूरी है। आपको लगता होगा कि एक्टर है यार, नहीं मैं तो, मेरे को एक्टिंग आती है, मैं कर लूंगा। मैं मानता हूँ आपको एक्टिंग आती है, सब कुछ आती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मुझे कैमरे के सामने कैसे परफॉर्म करना है, कैसे बोलना। मुझे कोई भी एक्टर आज के टाइम का दिखा दो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे कोई भी, चाहे रणबीर कपूर हो, चाहे रणवीर सिंह हो, जिन्होंने एक्टिंग ना सीखी हो, डायरेक्ट आके एक्टिंग कर रहे हो, एक का नाम मेरे को बता दो। सबका विकीपीडिया पढ़ो, किसी ने लंदन सिखा है, किसी कहीं जाकर किसी ने सिखा है, किसी ने NSD से किया है, तो सब ने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है, तब जाके वो इतने अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। निखारने का प्रयास सब ने किया, सब ने किया, सब चाहते हैं कि मेरा बेस्ट मैं अपना दूं। तो मैं इसलिए कहता हूं, कहीं भी रहिए, जहां भी रहिए, सीखिए, समझिए, उसके बाद मुंबई में आइए, तभी आप फ्रॉड लोग से बच पाएंगे, तभी आप एक नाम कमा पाएंगे, एक सही जगह जा पाएंगे। लोग तभी आपके साथ फ्रॉड करते हैं जब आपको एक्टिंग फील्ड के बारे में पता नहीं होता, आपका एक्टिंग का ए भी नहीं पता होता है, वो समझ जाते हैं किसे कुछ पता नहीं है, इससे हम पैसे ले सकते हैं। सही बात है। तो भाई आपसे ले लेंगे, अगर आपको पता होगा ना आपकी एक्टिंग अच्छी होगी ना, तो वो आपसे बोलने में उसको डर लगेगा, अरे नहीं अच्छा एक्टर है, कैसे बोलूं, कहीं मेरी वाट ना लगा दे। इसलिए होता है भाई, अपने आपको इतना इंप्रूव करके आओ, टैलेंट बन के आओ कि भाई कोई मांग ही ना सके, बोल ही ना सके कोई आपसे कि भाई पैसे दो, ये करो वो करो, लोग खुद आपकी हेल्प करेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे सर से, और जो भी आपसे जुड़ी समस्याएं होगी उनको सर के सामने पूछने का प्रयास करेंगे, उसको बताएंगे भी है कि कैसे सॉल्व करना है। तो अभी के लिए बस इतना ही, जय हिंद, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपना टाइम दिया। भाई चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इतना अच्छा काम कर रहे हैं करण जी, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी दूर से मुझसे मिलना है, मैं तो यही सोच रहा हूँ उनके पैर में चोट भी लगे तब भी आए, तो भाई ये तो मतलब सच में यार, मतलब दिल खुश कर दिया आपने। मतलब मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, बंदा इतने दूर से आया, मुझे मिलना ही मिलना है, मैं टाइम निकाला, मेरी एक मीटिंग मैंने कैंसिल किया, नहीं करण भाई के लिए निकालना पड़ेगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं ज़रूर मिलूंगा। और प्लीज़ यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सपोर्ट करिए भाई को, जितना हो सके शेयर करो लोगों तक, लोगों की हेल्प करो, ठीक है। और बस आज के लिए इतना रखते हैं करण भाई, नमस्कार, जय हिंद।